हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि विंटर के ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें कि हम कटिंग से ग्रो करके एक से दो, दो से चार प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे है क्रिस्तमाम या फिर गुलेदाउदी। गुलेदाउदी प्लांट को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग या फिर इससे भी बड़ी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग लगाने के लिए हम ब्रांच के ऊपरी हिस्से की कटिंग को अगर लेते हैं तो ये अच्छे से सर्वाइव हो जाती है, और इसे हम शेडी एरिया में रख के इसके प्लांट को तैयार कर सकते हैं, और इससे बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग रंग के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आज मेरे टेरेस पे देसी गुलाब खिला है तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, और इसकी फ्लावरिंग कंटिन्यू होती रहती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लांट के बारे में। हमारा विंटर का नेक्स्ट प्लांट है डहेलिया। डहेलिया को हम 3 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बीज से, बल्ब से और कटिंग से। इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं और इसे भूसी कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा एक सिंगल छोटा सा प्लांट है और ये थोड़ा सा हाइट पकड़ेगा तो मैं पिंच करके इसकी कटिंग को लगा भी दूंगी। साथ ही साथ जो लीव्स के नोड एरिया होता है वहाँ से नई नई ब्रांच भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लांट को भूसी भी कर सकती हूँ और इससे एक प्लांट से 2 प्लांट तैयार भी कर सकती हूँ, और ये अच्छे से लग जाता है। इसकी 2 इंच तक की कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है, उससे भी कम 1.5 इंच की कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो आपके पास अगर है और आप चाहते हैं कि इसकी प्लांट को लगाएं तो आप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ विंटर लंबी रहती है तो ये अगर मैं लगा दूँगी इसकी कटिंग तो भी ये अच्छे से ग्रो होकर फ्लावरिंग करेगी। एंड गाइस, एक बात और क्लियर कर दूँ कि विंटर गुलेदाउदी की कोई सी भी प्लांट की कटिंग हो, कोई से भी कलर के प्लांट की, उसकी सारी की सारी कटिंग लग जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ कलर की कटिंग लगती हैं या कुछ कलर की नहीं। तो जितने भी गुलेदाउदी की कोई सी भी रंग का प्लांट हो उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और ये ग्रो भी हो जाती हैं। तीसरा मेरा प्लांट है बिगोनिया प्लांट। बिगोनिया प्लांट बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है और अलग अलग वेराइटी में आता है, और इसकी भी कटिंग लग जाती हैं। और ये देखिए, मैंने भी कटिंग से लगाया था और इस पर अब फ्लावरिंग भी, बर्ड भी आने लगे हैं, और बर्ड 2 से 3 बर्ड हैं। और इसकी लीव मोटी होती है, इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। इसकी विंटर इसको विंटर ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये हमेशा मतलब ठंडी रहे हमारे इंडिया में तो ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा, पर ऐसा है नहीं, तो ये विंटर तक चलता है। अगर हम इसे शेडी एरिया में रखें तो शायद ये कुछ दिन और चल जाए। तो आप बिगोनिया प्लांट की भी कटिंग, अगर आपके पास बहुत बड़ा प्लांट है तो उससे भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको कहीं दिख गया या किसी के घर है तो आप उससे मांग कर भी लगा सकते हैं। एंड गाइस, चौथा मेरा प्लांट है गजानिया प्लांट। गजानिया प्लांट को भी कटिंग से लगाया जा सकता है। इसके साइड से आप कोई सा भी एक ब्रांच निकाल लीजिए और उसकी सारी लीव्स को रिमूव कर दीजिए, बस छोटे लीव्स को रखिए और उसे मिट्टी में लगा दीजिए, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये कटिंग और सीट दोनों से ही ग्रो हो जाता है और पूरे साल तक चलने वाला प्लांट है। एंड गाइस, और अगले प्लांट की बात कर लें, ये मेरा प्लांट है डाइंथस प्लांट, जिसे कि हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है जिसे आप लगा देंगे तो इस पर कंटिन्यू फ्लावरिंग आपको दिखेगी। ये ऐसा प्लांट है, और ऐसे प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिस पर कि कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहे। मुझे क्या, सभी को अच्छे लगते हैं, और इसकी अलग अलग वेराइटी आती हैं और इसकी सारी की सारी अलग अलग रंग वाले प्लांट लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही या 2 रंग वाले प्लांट लगते हैं, इसके सारे के सारे जो भी अलग अलग कलर के प्लांट आते हैं सारे के सारे लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट। और मेरे कई व्यूअर्स ने भी बताया कि ये मेरा फेवरेट प्लांट है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने इसकी 2-3 कटिंग लगाई है और वो सक्सेस भी हो गई है, मैं एंड में दिखाऊंगी आपको। तो गाइस, अभी दिखाती हूँ मैं अपने, ये देखिए मेरा ये मैंने डेंथस का प्लांट लगाया था और इसके पीछे से मुझे एक छोटा सा पप्स निकला हुआ, बहुत छोटा है, शायद इससे दिखे भी नहीं। ये देखिए निकला हुआ है एक नया ब्रांच। अब
मुझे इसे देखकर लग रहा है कि ये अब ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये जहाँ पे था धूप भी नहीं थी, पर अब ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसमें फ्लावरिंग होगी। डायंथस का प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरे साल रहता है और पूरे साल रहने के साथ साथ फ्लावरिंग भी करता है, हालांकि कम फ्लावरिंग करता है पर करता है। और ये देखिए मेरे हिबिस्कस प्लांट में कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि जब वीडियो बनाती हूँ तभी फ्लावरिंग होती है। आप देख रहे हैं एक फूल खिलने वाला है, दो खिले हैं, बर्ड और कलियाँ भी दिख रही होंगी आपको। और एक देसी गुलाब मैंने आपको दिखाया है, एक देसी गुलाब का ये प्लांट है जिसमें कि ये काफ़ी पुराना प्लांट फूल हो चुका है, इसकी बर्ड इसको छूते ही इसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं जो पुराने हो जाते हैं। और इस पर इतनी सारी बर्ड लग रही हैं कंटिन्यू कि बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे, चलो मेरा मेहनत सफल हुआ। जब हम किसी भी प्लांट की केयर करते हैं उसके बाद उस पर रिज़ल्ट अच्छा आता है, फ्लावरिंग करता है, हरा भरा रहता है प्लांट, तो हमको उसको देखकर ये पता चल जाता है कि नहीं चलो भाई हमारा प्लांट स्वस्थ है और ग्रो कर रहा है। एंड गाइस ये मेरा 10 रुपये का, इस साल भी मैंने मैं गई थी विंटर प्लांट की शॉपिंग करने, तो वहाँ से ये देसी गुलाब लेकर आई और यहाँ मैं आकर इसको लगा दी इस पॉट में। ये काफ़ी बड़ा पॉट है, इसमें एक ये प्लांट लगा हुआ है, इसका मुझे नाम नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड लाए हैं। मेरे टेरेस पे जितने भी प्लांट है जो कि दो रंग में है वो अक्सर मेरे वो सारे के सारे मेरे हस्बैंड ला कर दिए हैं इन सारे प्लांट को बचाने के लिए कीड़े मकौड़े से। इस पर मैंने बुडैस का इस्तेमाल कर दिया है सारे के सारे, ये देखिए हल्की हल्की बुडैस सब पे छिड़क दिया है ताकि ये कीड़ों मकौड़ों से बचे रहें। और ये मेरा एक डहेलिया है, आप देख रहे हैं इसका फूल एकदम से कत्थई रंग का है, हम लोग नहीं कहते हैं कत्थई कलर, उसी कलर का है ये। और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर में आ रहा है और बीच में येलो शेड होगा। तो नर्सरी वाले ने जब ये फूल दिया था तो उसने कहा था कि ये रेड कलर का खिलेगा, लेकिन जब मैं जहाँ से प्लांट लेकर आई थी जिस जगह से उठाकर उसने दिया था, नेक्स्ट ईयर मैं जब गई तो सॉरी नेक्स्ट बार जब गई दोबारा मैं गई तो उस वहाँ पे देखा कि उसके सारे गुलदाउदी उसी तरीके के फूले थे जो कि खिले थे कि जैसे कि मेरे पास पहले थे। तो मुझे मैंने उससे कहा कि ये तो सारे के सारे सफ़ेद रंग के हैं और मेरे पास तो ऑलरेडी सफ़ेद रंग था, आपने मुझे सफ़ेद, लेकिन अब जब ये खिल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि ये दोनों लगभग अलग रंग के हैं और मेरे पास इस समय 6 अलग रंग के गुलदाउदी है। और इससे मैंने एक कटिंग लेकर मैं आई थी गुलदाउदी के फूल की, उसके पास ज़मीन में लगा था तो मैं उसकी कटिंग लेकर आई थी, उसको भी मैंने लगाया है, उसका कलर देखते हैं कैसा होता। हालांकि उसके फूल लार्ज साइज़ के थे तो वो मेरा भी फूल लार्ज साइज़ का खिलेगा, पर कटिंग छोटी है, देखो ग्रो कर पाती है या नहीं कर पाती है। हालांकि इस समय में ह्यूमिडिटी नहीं होती है। और एक मैं येल्लो रंग का लेकर आई हूँ, येल्लो और रेड कलर का, तो जब वो खिलेंगे जैसी भी उनकी हालत होगी मैं उसका अपडेट आपको दूंगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।